लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल 102 सीटों पर वोटिंग तैयारियां करीब करीब पूरी, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। पहले चरण में कल 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान, तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर होगी वोटिंग। राजस्थान की 12, यूपी की 8 सीटों पर मतदान, एमपी की 6, उत्तराखंड की 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल में 3, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर होगा मतदान, बिहार की 4, असम की 5, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर होगी वोटिंग। पहले चरण के मतदान को लेकर एक्शन में चुनाव आयोग, पोलिंग पार्टियों के साथ मतदान अधिकारी भी रवाना। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण के मतदान को लेकर राज्य सरकार का ऐलान, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों समेत शैक्षणिक संस्थानों में रहेगी छुट्टी। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए वोटिंग की अपील। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया, कन्नौज लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। केरल के कोल्लम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजीव गांधी की सुनाई मजबूरी, कहा उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर उपाय नहीं बताया, पीएम मोदी ने चुनौती को स्वीकार किया। लातूर में बीजेपी प्रत्याशी सुधाकर श्रृंगारे ने भरा पर्चा, 2019 के बाद लगातार दूसरी बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस को बताया झूठ और लूट की दुकान, कहा लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। पहले फेज के मतदान को लेकर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, उन्होंने कहा पहले चरण में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी देश की जनता। गुजरात में चुनावी जनसभा को लेकर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की सख्ती, रैली में काले झंडे लहराने और बैनर दिखाकर विरोध करने पर बैन। वडोदरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जशपाल सिंह पठियार ने भरा नामांकन, अपनी जीत का दावा ठोका। कुरुक्षेत्र से आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता और बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल का दिखा अनोखा अंदाज, गेहूं काटते दिखे सुशील गुप्ता। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कर्फ्यू वाली माता मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की जीत की मांगी बरात। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद, साथ रहे आप मेयर और डिप्टी मेयर। पटना में बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया, पटना साहिब से लोकसभा प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद। कन्नूर में राहुल गांधी ने की जनसभा, कहा कोविड के समय अस्पतालों में थी ऑक्सीजन की कमी, पीएम मोदी कर रहे थे थाली बजाओ। रायगंज में सीएम ममता ने की रैली, कहा लोग रामनवमी के रैली में हथियार लेकर क्यों गए, भाजपा से पूछना चाहती हूं रामनवमी के ठीक एक दिन पहले आपने डीआईजी को क्यों हटाया। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने चुनाव प्रचार में झोंकी अपनी ताकत, चमीरपेट में मलकाजगिरी से बीजेपी प्रत्याशी एटाला राजेंद्र के पक्ष में रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 13वीं लिस्ट, रत्नागिरी सीट से नारायण राणे को बनाया उम्मीदवार, शिवसेना शिंदे गुट के किरण सामंत ने वापस लिया नाम। वोटिंग से पहले राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं को वीडियो संदेश, कहा यह चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नामांकन दाखिल किया, अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पीडीपी उम्मीदवार हैं महबूबा। उमर अब्दुल्ला का गुलाम नबी आजाद पर तंज, कहा आजाद की वापसी के बाद दक्षिण कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के बीच सीधे लड़ाई। असम के दारंग में बीजेपी अध्यक्ष ने की रैली, उदलगुरी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ढोल बजाकर वोट की अपील। गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो, नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले शाह का शक्ति प्रदर्शन। गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर की सभी 6 विधानसभाओं में रोड शो, कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया उत्साह। गांधीनगर लोकसभा सीट से कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे शाह, शाह के चुनाव प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं ने कसी कमर। रोड शो में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक, नहीं तो फिर उसमें गड़बड़ है। अमित शाह ने राहुल की अमेठी छोड़ वायनाड से चुनाव लड़ने पर भी कसा तंज, कहा राहुल गांधी को परंपरागत सीट से लड़ना चाहिए।
सीएम ममता पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा ममता के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं। देखिए ममता बनर्जी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गांव के लोग सुरक्षित नहीं है और इस देश का बहुमत समाज भी सुरक्षित। गुजरात के नवसारी में सीएम भूपेंद्र पटेल का भव्य रोड शो, समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। असम के कोकराझार रैली में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में नॉर्थ ईस्ट को दी विकास की सौगात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी का बड़ा आरोप, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा केजरीवाल मेडिकल बिल के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे। ईडी ने कहा केजरीवाल ने कोर्ट से दी थी डायबिटीज की दुहाई और उसके बाद घर से मंगा कर रखे हैं पूरी तैयारी, आलू आम और मिठाई, ताकि उनका शुगर लेवल और खराब हो। ईडी के आरोप पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से तय डाइट की लिस्ट मांगी, केजरीवाल की डाइट से किया जाएगा मिलान। केजरीवाल के वकील ने कहा जिन्हें शुगर की समस्या है उन्हें ऐसी ही डाइट दी जाती है, केजरीवाल शुगर के स्टेज 2 के मरीज हैं। केजरीवाल ने डॉक्टर की सलाह पर डाइट चार्ट के मुताबिक घर में बना खाना मुहैया कराने की गुहार लगाई थी, कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी थी। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल जेल से मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आने की साजिश रच रहे हैं और वो खाना खा रहे हैं जिससे शुगर का लेवल बढ़ता है। आज कोर्ट में ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद मीठा खा रहे हैं, उनके घर से चल के जेल में आलू की पूरी आ रही है, आम आ रहा है, ये सारे वो खाना है जो डायबिटिक पेशेंट का वजन बढ़ाता है। मनोज तिवारी की मांग, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से उत्तर प्रदेश की डासना जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग की गई। इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की, कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला, हिसार से सुनैना चौटाला, अंबाला से गुरप्रीत सिंह होंगे लोकसभा प्रत्याशी। अपने दादा चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि से शक्ति रथ पर सवार होकर निकले जयंत चौधरी, बागपत के छपरौली में रोड शो। बीएसपी ने झांसी से पार्टी उम्मीदवार राकेश कुशवाहा से टिकट वापस लिया, अनुशासनहीनता के आरोप के बाद पार्टी से निष्कासित। कन्नड़ एक्टर दर्शन ने मांड्या में किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो। आपने एमसीडी के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया, मेयर पद के लिए महेश खिची और डिप्टी मेयर के लिए रविन्द्र भारद्वाज ने भरा नामांकन। जमुई में तेजस्वी के भाषण के दौरान समर्थकों ने चिराग पासवान को लेकर कहे अपशब्द, आरजेडी कार्यकर्ताओं पर चिराग पासवान को गाली देने का आरोप। तेजस्वी ने कहा जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं उस वक्त भाषण दे रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। पब्लिक में वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। ये बात जो है बतंगर, इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी के सामने मुझे इस तरह से माँ बहन को गाली दी गई लेकिन वो खामोश रहे, मेरे सामने अगर राबड़ी देवी को गाली दी जाती तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता। चिराग पासवान की पार्टी ने वायरल वीडियो की शिकायत चुनाव आयोग से की, आरजेडी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा चिराग को गाली देने वालों पर एक्शन होगा। चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी गाली देने के वायरल वीडियो का उठाया मुद्दा, कहा जंगल राज चलाने वालों की भाषा संस्कार ऐसे ही। दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। नीतीश के चुनाव प्रचार नहीं करने के सवाल पर बोले तेजस्वी ये वक्त उनकी आलोचना का नहीं, सभी जानते हैं मैं उनके बेटे जैसा किताब में करूंगा खुलासा। हैदराबाद में प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का भड़काऊ बयान, अवैसी को आगाह करते हुए बोले एक बाबरी से हो परेशान, अभी तो 40,000 मंदिर बाकी।
घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। टी राजा सिंह ने कहा वो जिहाद की बात करते हैं, मैं कार सेवा की बात करता रहूंगा। बोले यूपी के सीएम योगी पहले ही कह चुके अब की बार कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी, फूल बरसाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अब की बार अगर कार सेवा होगी तो राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, शंकर के भक्तों पर गोली नहीं फूल बरसाया जाएगा। वायनाड में राहुल का प्रचार करने पहुंचे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कहा बीजेपी को दक्षिण में वोट मांगने हक नहीं, साउथ कर रहा बीजेपी का बायकॉट। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य रोड शो, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़, बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में किया प्रचार। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत, चुनावी कैंपेन के दौरान जनता के बीच जाकर मांगे वोट। उधमपुर से बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने किया चुनावी प्रचार, पब्लिक का वोट बटोरने के लिए लोगों के बीच पहुंचे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती कुलगाम की चुनावी रैली में बीजेपी पर बरसी, कहा हमारे संसाधनों, हमारी भूमि और हमारी गरिमा पर हर दिन हमला। नॉर्थ गोवा से कांग्रेस उम्मीदवार रमाकांत खलप ने भरा पर्चा, नामांकन के दौरान गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर और गोवा आप अध्यक्ष अमित पालेकर मौजूद रहे। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार को लोकायुक्त ने दूसरा नोटिस भेजा, इससे ज्यादा संपत्ति का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, पूछा क्या वोटर्स को वोटिंग पर्ची दे सकते हैं। बिटकॉइन स्कीम केस में बढ़ी शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें, ईडी ने जब्त की 97 करोड़ की प्रॉपर्टी। डीआरडीओ के नाम बड़ी कामयाबी, ओडिशा के चांदीपुर में स्वदेशी निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। दुबई में 57 साल में सबसे भारी बारिश के बाद उड़ानों पर खासा असर, सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक बाढ़ जैसे हालात बने, भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। शंभू बॉर्डर में किसानों के रेल रोको आंदोलन का जम्मू तक असर, तेल सप्लाई रुकने से जम्मू कश्मीर के प्रभावित होने के काफी आसार हैं। गर्मी की आहट के साथ ही भारत में बिजली खपत करीब 10% बढ़ गई, खपत में बढ़ोतरी से आर्थिक गतिविधियों इस्तेमाल के पैटर्न में सुधार का मिला संकेत। उत्तर भारत में एक्टिव हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, मौसम विभाग ने जानकारी दी, आज से शनिवार तक मौसम में दर्ज की जाएगी गिरावट। गुजरात में गर्मी से लोग परेशान, अमरेली में 44 डिग्री तापमान, वलसाड सुरेंद्रनगर महुआ में गर्मी से पारा ऊपर हुआ। दिल्ली में एसडीएलसी ने यहां पर एरोडेफ इंडिया 2024 का किया आयोजन, डिफेंस से जुड़े डिवाइस की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई, 3 दिन तक चलेगा। पीएचडी सीसीआई ने 2024-25 में भारत की विकास दर 8 से 8.3% रहने का अनुमान जताया, कहा अगले 30 साल तक 6.5% से ज्यादा होगी विकास दर। 2047 तक भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $21,000 होने का अनुमान जताया, 2047 तक विकसित भारत के मिशन का साकार करने के लिए 75 उत्पादों की लिस्ट जारी की। 2022 से इसके बराबर क्रूड आयात करने के बावजूद 2023-24 में भारत के कच्चे तेल का आयात बिल 16% कम हो गया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी एनर्जी सिस्टम्स के लिए एसबीआई को वर्ल्ड बैंक से $1 अरब का कर्ज मिलेगा, एयर क्वालिटी में सुधार के साथ ही ग्रीन एनर्जी अपनाने की रफ्तार बढ़ जाएगी। पेटीएम ग्राहकों को नए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर से जोड़कर फिर से यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा देना शुरू किया, एसबीआई एक्सिस एचडीएफसी यस बैंक से हुई पेटीएम की पार्टनरशिप।